माई यूनिवर्सिटी आई के, बेसिकली ये एक थॉट है, एक विचार है जो हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आर बी सोलंकी जी के द्वारा आया है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं माई यूनिवर्सिटी आई के टीम से हूँ और इसका कॉन्सेप्ट हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी ने दिया था। और ये टीम मतलब अभी तक बहुत सारे काम कर चुके हैं, जैसे पेंटिंग कंपटीशन भी लास्ट ईयर किया था और टूर्नामेंट भी हुआ था, इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट भी हुआ था। और इसका मेन मोटिव क्या है कि माई यूनिवर्सिटी आई केयर से माई इंडिया आई केयर तक लेके जाना है। इसी सोच के साथ हमने अभी एक पेंटिंग कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया है। हमारा मेन मुख्य मोटो है एक कदम बदलाव की ओर। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने भावों को समाज के सामने अच्छे से प्रकट कर सके, प्रस्तुत कर सके। बहुत सारे बच्चे हैं बोल नहीं पाते हैं, उभर कर बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें भी हमारी टीम एक मंच प्रदान करती है। उसके साथ साथ हम सामाजिक मुद्दों पर भी काम करते हैं। जैसे अभी हमने जो पेंटिंग कंपटीशन की थीम रखी वो थी ड्रग एडिक्शन एंड यूथ। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। ओ, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान। हार बनाकर आज हम लोगों ने तीन चीजों पर काम किया है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज वॉल पेंटिंग, द सेकेंड वन इज रोड पेंटिंग, एंड द थर्ड वन इज पोस्टर मेकिंग। माई यूनिवर्सिटी आई केयर इज ऑल अबाउट टीम वर्क, इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। हम इसमें क्या करते हैं, हम इस पर सोशल इश्यूज पर काम करते हैं। आज का हमारा सोशल इशू जो है वो ड्रग एडिक्शन के बेस पर है, तो आज हमने उसी के ऊपर तीन चीजों को ऑर्गेनाइज किया है। इट्स ऑल अबाउट यूनिटी, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, इट्स ऑल अबाउट टू क्रिएट awareness among the youth ones, among the student ones. Basically, my university, I care. It's all about कि हम इस university के student हैं, तो हमारा खुद का दायित्व बनता है कि हम इस university में ज़्यादा से ज़्यादा contribution दें। मैं हमारे vice chancellor सर का thank you करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी team बनाई, और इस team का क्या है कि together everyone achieves more. सब लोग एक coordination में और सबको cooperate करके काम करते हैं, तो I'm really thankful to vice chancellor कि मतलब एक spirit दी उन्होंने हमें काम करने की। Thank you. My university, I care.